तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में बात करने वाला हूं कैसे आप गांव में 24 घंटे की बिजली ले सकते हैं और वो भी एक बजट दाम में। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मार्किंग 7 चैनल को और इस घंटे को दबाएं ताकि आप देख सकें वीडियो सबसे पहले। तो हेलो दोस्तों, मैं आ चुका अपने छत पे और देख सकते हैं आपकी दो पैनल लगे हुए हैं मेरे छत पे जो कि 165 वाट के दो हैं। और रही बात इस कंपनी की, तो कंपनी इसकी है ल्यूमिनस। ल्यूमिनस के मैंने ले रखे हैं दो पैनल जो कि 165 वाट के दो हैं। काफ़ी अभी फ़िलहाल गंदा हो चुका है और ये पैनल जो है पॉली है। एक मोनो आता है जो कि आपको बोलता है कि आपका मतलब बारिश के सीज़न में भी आपको आउटपुट देगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है उतना एफिशिएंसी नहीं देती है। तो मैंने पॉली लगवा रखा है, ये थोड़ी चीप क्वालिटी की पड़ी, चीप पड़ी। तो ये हमारे पैनल। और रही बात इसके पीछे की, तो इसके पीछे भी आपको दिखा दूंगा कि इसके पीछे लगे हुए हैं कुछ स्टिकर वगैरह जो कि इसकी आउटपुट के बारे में बताते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं इसके नीचे जो स्टिकर लगे हुए हैं। तो ये रहे हैं हमारे स्टिकर जो कि इसके आउटपुट वगैरह के बारे में बताते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो ठीक है, वारंटी वगैरह है, पता नहीं क्या, लेकिन है 165 है, लेकिन यहाँ पे 167 दे रखा है। ठीक है, तो रही बात ये। और अगर जो आपका पैनल होता है ये हम इसको पैलर में लगाते हैं ना कि सीरीज में लगाते हैं, चलिए आपको दिखाते हैं पैनल में कैसे लगाते हैं। तो ये रहा आपका पैनल का प्लस, और जैसे प्लस होता है जो प्लस, दोनों का पैनल का प्लस लेके एक उसमें से एक प्लस निकाल के हम नीचे ले जाएंगे बैटरी की तरफ, और एक माइनस का भी वैसे ही करेंगे दोनों का माइनस लेके। तो ये जो वायर है आपका नीचे चला जाएगा डायरेक्ट कंट्रोलर में। तो चलिए अब हम चलते हैं कंट्रोलर की तरफ। तो जो हमारी ये बैटरी है इन्वर्टर, ये काफ़ी पुराना मॉडल है, करीबन 10 साल पुराना, लेकिन अभी तक मस्त चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो इसकी आउटपुट है वो 625 की आउटपुट है, तो काफ़ी दिक्कत आता है। और रही बात बैटरी की, तो बैटरी भी हमारी अभी नई नई है, अभी मैंने लिया है जो कि 150 एम्पियर की है। तो आपका 625 के साथ आपका 150 वाट ही बैटरी चलेगा, 150 एम्पियर वाली। और साथ में मैंने इसका एक कंट्रोलर ले रखा था जो कि सोलर पैनल चार्ज करेगा आपका। और क्योंकि जो हमारी इन्वर्टर है वो पुरानी है और ये इसका नहीं दे पाएगा, तो ये मेरा कंट्रोलर था, ये पड़ा मेरा 1500 का, बस आउटपुट देता है कि ऊपर से करंट आ रही है, तो ये बस फ्लो बताता है और कुछ एम्पियर वगैरह बताता है। ये चीज़ मेरे को ऊपर जाती है क्योंकि कभी ये 13 दिखाता है, कभी CH माइनस दिखा रहा है, तो ये ऊपर जा रही है, मुझे समझ में नहीं आती इसकी कनेक्शन वगैरह। लेकिन आज जब लाइट आती है तो जीरो दिखा देता है। तो ये इसका फ्लो रहा। चलिए अब चलते हैं जनरेटर दिखाते हैं आपको। तो ये रहा हमारा GX200 जनरेटर जो कि काफ़ी मस्त जनरेटर है, और ये है वैसे होंडा कंपनी का, और इसे लोग होंडा बोलते हैं लेकिन मैं इसे प्यार से जनरेटर बोलता हूँ। ये जो है ये 2500 वॉट की यानी 2.5 KV की जनरेटर है। इसी बजट में मेरे को और भी मिल रहे थे जो कि 3.5 KW के में थे, लेकिन मैंने वो प्रेफर नहीं किया क्योंकि चाइनीज़ आइटम पता नहीं क्या हो। तो एक जो ब्रांड है वेल सेटल्ड है, तो मैं उस पर गया ताकि वो इसकी सर्विस वगैरह अच्छी मिल पाए मुझे। रही बात इस जनरेटर की, तो ये जनरेटर नहीं है, हम इसको इंजन बोल सकते हैं। ये एक बाइक का ही इंजन है जो कि इन्होंने डायनमो लगा के जनरेटर बना रखा है इन्होंने। जो इसकी पेट्रोल की टंकी है वो है आपकी 4 लीटर की अप्रॉक्स, ये इंजन का है थोड़ा सा सीन वगैरह। और ये जो ब्लैक वाला आप चेक कर रहे हो, ये फ़िल्टर वगैरह कुछ होते हैं इनके जो कि हमें एक मंथ में पेट्रोल से साफ़ करने पड़ेंगे। तो ये हमारा रहा कॉम्बिनेशन पेट्रोल का। आपका एक घंटे में ये 1 लीटर में ये 1.5 घंटे चल जाता था बोला इन्होंने। तो ये रही चोक जो कि स्टार्ट करने में काम आता है, जैसे हम बाइक स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं जो स्टार्ट करूंगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी गड़बड़ रहती है, पता नहीं, मैंने इसको बोल रखा है सर्विस सेंटर में, तो देखते हैं कब आते हैं और इसकी सर्विसिंग कराते हैं। तब तक मैं अभी इसको आपको स्टार्ट करके शो करा देता हूँ। तो ये लिया मैंने चोक, और अब मैं इसको इस वायर को खींचूंगा और आप देख लेना कैसे स्टार्ट होगी। ये रही एक बटन जहाँ से हम ऑन ऑफ़ कर सकते हैं, तो अभी ऑफ़ है, अभी इसको हम ऑन करते हैं ताकि हम इस
जनरेटर को स्टार्ट कर सकें। तो हमने ऑन किया और अब हम इसको चोक हमने ले रखा है और इस वायर को रस्सी को खींचेंगे तो जनरेटर स्टार्ट हो जाएगा। 1 2 3 जनरेटर स्टार्ट हो गया, मम्मी चिल्लाने लगी कि क्यों स्टार्ट कर रहे जब भी लाइट है। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि मैं कैसे सोलर पैनल और जनरेटर की हेल्प से 24 घंटे की बिजली ले रहा हूँ, मेरा मानना ये है कि अगर मान लो आपके घर में, मेरे घर में लाइट नहीं आती है, बिजली नहीं आती है, तो मैं सोलर पैनल की हेल्प से अपनी सिस्टम वगैरह रन कर लेता हूँ। और जैसा कि आपको पता है ये मौसम हमारा बारिश का सीज़न है, तो इस मौसम में बैटरी उतनी चार्ज नहीं हो पाती है सोलर पैनल से। तो उस केस के लिए, वर्स्ट केस के लिए मैंने एक जनरेटर ले रखा है, क्योंकि अगर किसी केस में आपका बिजली भी ना आए और सोलर पैनल भी चार्ज ना करे बैटरी, तो उस केस में आपका जनरेटर चार्ज कर देगा पूरी बैटरी और आप आराम से समरसेबल वगैरह घर की चीज़ें ईजिली चला सकते हो। तो ये रहा मेरा एक छोटा सा सेटअप जो कि 24 घंटे बिजली दे सकता है आपको ईजिली अवेलेबल। तो उम्मीद है आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना सर। थैंक यू सो मच। जय हिंद।